हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं माइक्रोटिक का विनबॉक्स सॉफ्टवेयर, जो कि अभी न्यू अपडेट हो चुका है। सडनली हमें भी नहीं पता था कि इसका अपडेट आ गया है। हम एक नया स्विच कॉन्फ़िगर करने जा रहे थे, तो उससे हमने इसमें लॉगिन करा है, क्योंकि विनबॉक्स में लॉगिन करके उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं अभी, जो कि एक नॉर्मल वे है कॉन्फ़िगरेशन करने के। और भी बहुत सारे तरीके हैं टेलनेट के थ्रू भी, बट हमने विनबॉक्स के थ्रू करना ही उसको बेहतर समझते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि ग्राफिकल प्लेटफॉर्म है, तो हमने इसको लॉगिन करने की कोशिश करी। तो देख रहे हैं आप कैसा इरर आ रहा है। फ्रेश डिवाइस था तो उसको फ्रेश डिवाइस को ओपन करने जा रहा था, तो ये बार बार इरर दे रहा है। जूम करके हमने देखा तो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ रहा था कि राउटर रिक्वायर्ड न्यूली विनबॉक्स, प्लीज़ अपग्रेड। सो जो अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये है 3.2 वर्जन का, हमें इसको अपग्रेड करना है। तो मैं इसको नया अपग्रेड करने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। हमने इसके लिए टूल्स के अंदर गए हैं, जो कि इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है टूल्स के अंदर ही चेक फॉर अपडेट का। तो इसने हमें चेक फॉर अपडेट करा है। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, तो इंटरनेट ऑन रखिएगा। इसमें नया वर्ज़न आ गया है 3.32, आप देख रहे हैं न्यू वर्ज़न, और यहीं पर बोल रहा है कि ये अपग्रेड हो जाएगा। इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें सब कुछ इसने बताया है। तो मैंने पहले इसको अपग्रेड कर दिया है, अपग्रेड पर हमने इसको क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो इसमें चेंजेस हुए हैं इसके बारे में डिटेल में ये बताएगा। हम पहले सबसे पहले इसको अपग्रेड कर देते हैं, ताकि इसको हम चला के ही देखते हैं कि कैसा होगा। मेरा 3.20 पुराना वर्ज़न, 3.32 नया वर्ज़न, ये अपग्रेड के लिए मैंने प्रोसेस कर दिया है। ये डाउनलोड हो रहा है, काफ़ी छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा ये। सो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं आए हैं, क्योंकि नया वर्ज़न दे रखा है, इतने सारे अपडेट्स इसके अंदर लिख रखे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म पे चेंजेस दिया होगा। हम इसको लॉगिन करके चेक करते हैं। ये एक बार बंद हो गया है पूरी तरीके से, और वापस से ये ओपन हो गया है ऑटोमेटिक ही। तो देखिए 3.32 का वर्ज़न ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। हम जो हमारा नया स्विच कर रहे थे, इसको वापस से हम लॉगिन करते हैं और ये कनेक्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये ओपन हो गया है। सबसे पहले इसके अंदर रिमूव कॉन्फ़िगरेशन का लोगो भी पूरा चेंज हो गया है, पुराना जो सेटअप बना हुआ था हमने इसको रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर पासवर्ड का बता रहा है कि आप सबसे पहले इसमें पासवर्ड सेट करिए, अगर आपका ओल्ड पासवर्ड है तो उसको डालिए, और फिर नए पासवर्ड डाल के ही इसको सेफली करिए। सबसे पहले प्रोडक्ट को सेव करने का बोल रहा है, अगर आप नहीं करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कर देते हैं। पुराना कोई पासवर्ड नहीं था, नया हम मैं इसमें अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो कि मुझे कंफर्म पासवर्ड भी डालना होगा सेकेंड बार भी। हमने अभी बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नॉर्मली डाल दिया है इसके अंदर, और इसको हम अब चेंज कर रहे हैं। तो चेंज हो गया है, नॉर्मल ही तरीके से है, ये विनबॉक्स पूरा दिख रहा है, इसमें कोई ऐसा चेंजेस तो नहीं दिख रहा है। आइए सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं। तो इंटरफेस भी बिल्कुल वही है, लुक पूरा वही दे रखा है, बाकी क्या चेंजेस दे रखे हैं तो हम इसके बारे में और समझते हैं। कुछ चेंजेस हमने इसमें नोटिस किए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम के अंदर गया था मैं, और हेल्थ के अंदर, सिस्टम हेल्थ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि आपका CPU टेम्परेचर और अलग अलग ऐड भी कर सकते हैं, आप क्या क्या टेम्परेचर इसके अंदर ऐड करना चाहें। कहीं पर फ़ैन की स्पीड का भी बता देता है, कहीं कहीं पर PSU 1, PSU 2 जो पावर सप्लाई यूनिट होती है उसके भी ओके और फेलियर की रिपोर्ट भी दे देता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ों के लिए ऐड करने का ऑप्शन है। और दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर रिसोर्सेज के बारे में कि वो चेंजेस है क्या। नहीं, रिसोर्सेज जैसे कि हम देख रहे हैं, जो पहले आता था उसका प्लेटफॉर्म, जो पहले ये दिखता था इंटरफेस, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें वही है। रैम वगैरह के बारे में भी कोई अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। सो, इसको हम बंद करते हैं, और दूसरी चीज़ें उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है, ये विंडो का। विंडो का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि हमने अगर इसके अंदर बहुत सारे इंटरफेस खोल रखे हैं, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ एक इंटरफेस लिस्ट ये खोल रखी है, बाकी और कौन कौन सी विंडो खोल रखी है वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर बता देता है। हम चाहें तो डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, कुछ चीज़ें विंडो हाइड हो जाती है बैक साइड पर, तो उसी यहाँ के इसकी मदद से जा सकते हैं उसको देख कर। सो गाइस, ये है नया विनबॉक्स। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और भी इसके बारे में और जानकारी मैं कलेक्ट करके आपको और शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।